प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। आज हम धैर्य जो प्रशंसा है उसी का जो प्रसंग पीछे चला जो आ रहा था उसी को हम आगे पढ़ रहे हैं। बीच में कोई भूमिका नहीं बांधेंगे क्योंकि समय कम रहता थोड़ा। कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति यस्य चितम न निर्दहति कोप कृषानुआतप कृषानुताप कृषंति भूरि विषयाश्च न लोभ पाशा लोकत्रयम् जयति कृतसनम इदम सधीर यस्य चितम कांता कटाक्ष विशिखा न लुनन्ति। जिस धीर पुरुष के हृदय को नारी के कटाक्ष रूपी जो बाण है न लुनंती, जो आहत नहीं करते हैं। कोप कृषानुताप है न निर्दहती, क्रोध रूपी अग्नि का ताप नहीं जलाता। भूरी विषया लोभ पाशाश्च न कृषंती, अनेक विषय और जो लोभ रूपी जो पास हैं वो भी जिनको नहीं खींचते हैं। सह धीरह है इदम कृतसनम लोकत्रयम जयंती, वह धीर पुरुष इस संपूर्ण त्रिभुवन में जो है या संपूर्ण त्रिभुवन को जो जीत लेता है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेता है। बसंत तिल का छंद है, उसका उदाहरण है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं। व्याकरणात्मक टिप्पणी आप यथावत इसमें याद करते रहिए। न इसमें तीन लाइनों में आ रहा है, पहली में, दूसरी में, तीसरी में अव्यय हो गया। यस आ रहा है षष्ठी लिख सकते हैं। चौथी लाइन में से आ रहा है, सरल से सरल सर्वनाम शब्द लिख सकते हैं। ऐसे व्याकरणात्मक टिप्पणी लिखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। क्वचित पृथ्वी सय है, क्वचिदपि च पर्यंक सयन है, क्वचित शाकाहारी, क्वचित अपि च शाल्योदन रुचि, क्वचित कंथाधारी, क्वचित अपि दिव्यांबरधरो, मनस्वी कार्यार्थी न गणयति दुखम न च सुखम। विद्यार्थी ध्यान देंगे, एक तो चौथी लाइन में गणपति आया, ये गलत प्रिंट है यहाँ पे। यहाँ गणयति आप पढ़ें इसको, और वैसे अन्वय में गणयति लिख भी दिया है तो यहाँ पर भी आप गौर कर लेंगे। क्वचित पृथ्वी सही है, यानी मनस्वी जो व्यक्ति हैं कहीं पृथ्वी पर जो है सो जाता है। क्वचित अपि च पर्यंक सयन है, तो कहीं वह पलंग पर भी सो जाता है। क्वचित शाकाहारी, क्वचित अपि शाल्योदन रुचि है, कहीं वह शाक सब्जी खाकर ही गुजारा कर लेता है, तो कहीं बढ़िया चावल के भात जो है उसमें रुचि रखता है। क्वचित कंथाधारी, क्वचित अपि दिव्यांबरधर है, कहीं वह कंथाधारी बन जाता है, तो कहीं सुंदर वस्त्र जो है वह धारण कर लेता है। कार्यार्थी मनस्वी न दुखम गणयति न च सुखम गणयति। इस प्रकार से मनस्वी जो पुरुष हैं वो कभी भी न तो दुखी प्रवाह करते हैं, न ही सुख जो है उस सुख को कभी महत्व देते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, जिसने कार्य सिद्ध करने का यदि कोई दृढ़ निश्चय कर लिया है वह मनस्वी व्यक्ति हर परिस्थिति को सहज रूप से स्वीकार कर लेता है। कहीं वह धरती को ही सैया बना लेता है, तो कहीं पलंग पर सो लेता है, कहीं वह शाकाहारी बनकर ही रह लेता है, तो कहीं बढ़िया चावल का भोजन जो वह ग्रहण करता है, वह फटे पुराने जो कपड़े हैं वह भी पहन लेता है, तो कहीं कहीं सुंदर वस्त्र भी धारण कर लेता है। कार्य साधना में तत्पर मनस्वी व्यक्ति दुख या सुख की जो है परवाह नहीं करता, वह तो हर हालात में हर परिस्थिति में अपना लक्ष्य पाने में प्रयासरत रहता है, यानी सुखों का प्रलोभन या दुखों का भय जो है उसे विचलित नहीं करता है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणी है, उसकी मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। जैसे इसमें चारों लाइनों में च आया तो आप अव्यय में लिख देंगे च अव्यय। इसके अलावा चार लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है, एक लाइन में ही आप जो है च लिख दें पर्याप्त रहेगा। चौथी लाइन में दो बार न आया है, यहाँ आप इसको
चाहें तो इसमें दर्शा सकते हैं एक ही लाइन में, च कोमा न इत्यादि अव्यय। इसके अलावा पहली लाइन में तीसरा शब्द है, यहाँ आप अपि जो है इस अव्यय को अलग कर सकते हैं, क्वचित यहाँ संधि बता सकते हैं, क्वचित शाकाहारी। यहाँ देखिए यहाँ सचोटी सूत्र से शकार के स्थान पे जो है छकार हो गया दूसरी लाइन का पहला शब्द, तो यहाँ हम यदि याद रहे तो आप संधि का नाम लिख दें छत्व संधि। इसी प्रकार से जो तीसरी लाइन है यहाँ पर फिर क्वचित आ रहा है, दिव्य जोड़ अंबर, दिव्य अंबर धरो, यहाँ भी संधि बता सकते हैं। तो ऐसे व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको आप जो है याद करते हुए ही आगे बढ़ते रहिए। निंदंतु नीति निपुणा यदि वा स्तुवंतु लक्ष्मी समाविशतु गच्छतु वा यथेष्टम अद्यैव वा मरणमस्तु युग्यांत्रे वा न्यायात् पथः प्रविचरन्ति पदम न धीरा। नीति निपुणा निंदंतु यदि वा स्तुवंतु, यानी जो नीति से निपुण जो लोग हैं वो भले ही निंदा करें या वो प्रशंसा करें। लक्ष्मी समाविशतु वा यथेष्टम गच्छतु, लक्ष्मी जो चाहे तो लक्ष्मी प्राप्त हो या वह अपनी इच्छा के अनुसार कहीं वह चली जाए। अद्य एव वा मरणम अस्तु युगांतरे वा, आज ही मृत्यु हो जाए या युगांतर में हो, परंतु धीरा न्यायात पथम पदम न परविचरन्ति, किंतु धीर व्यक्ति जो न्यायोचित मार्ग है उससे एकदम भी जो है विचलित नहीं होते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको जो है ये वसंत तिल का छंद है और अन्य व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ हैं उनको भी साथ साथ में आप जो है, इसमें बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं, जैसे वाह वाह आ रहा है तीन लाइनों में आ रहा, ऊपर वाले में न आ रहा है, पदम आ रहा है, पथ आ रहा है, इसके अलावा यदि आ रहा है, ये बहुत सारी टिप्पणियाँ हैं, अद्यैव आ रहा है, यहाँ से आप संधि बता सकते हैं, वृद्धि संधि हो रही है, इस प्रकार से टिप्पणी बताते हुए आप जो है आगे बढ़े। अगला पद्य चलिए, यहाँ हम इसका वाचन करेंगे। कदर्थितस्य अपि हि देहरी वृतेः न शक्यते देहरी गुणः प्रमार्ष्टुम् अधोमुखस्य अपि कृतस्य वहन्ये है नादः शिखा यान्ति कदाचिदेव। कदर्थितस्य अपि देहरी वृतेः देहरी गुणः प्रमार्ष्टुम् न हि शक्यन्ते, यानी पीड़ित करने पर भी जो धीर पुरुष है उसके अंदर जो धैर्य गुण है वह नष्ट नहीं किया जा सकता। अधोमुख से कृतस्य अपि वहन्ये है शिखा कदाचित एव अधः न यान्ते, यदि आग का मुख नीचे की ओर कर दिया जाए फिर भी उसकी जो लपटें होती हैं वह हमेशा नीचे की ओर नहीं जाती, बल्कि आग की लपटें हमेशा ऊपर की ओर ही उठती रहती है। यहाँ प्यारे विद्यार्थियों, जो उच्च आदर्श हैं उन उच्च आदर्शों के प्रतिनिष्ठा एवं दृढ़ता जो है धैर्यशाली पुरुष का एक स्वाभाविक गुण होता है, और धीर पुरुष को चाहे जितना भी पीड़ित कर दिया जाए वह अपना धैर्य गुण नहीं छोड़ता है। इसी तथ्य को अग्नि के उदाहरण के माध्यम से स्पष्ट करते हुए कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि यदि आग को अधोमुख यदि कर दिया जाए तो भी उसकी जो ज्वालाएँ हैं कभी अधोमुखी नहीं होती, अग्नि की जो शिखाएं हैं हमेशा जो है ऊपर की ओर ही जो जाती रहती है, ऊपर की ओर ये जो बढ़ती रहती है। तो इस प्रकार से उसकी जो ज्वालाएं हैं कभी अधोमुख नहीं होती और अग्नि की शिखाएं सदैव ऊर्ध्वमुखी रहती हैं। धीर पुरुष तिरस्कार पाकर भी अपना धैर्य जो है नहीं छोड़ते। तो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ इसके अंदर जो है उपजाति छंद तो कह रही है, इसके अलावा अन्य व्याकरणात्मक जो टिप्पणियाँ हैं वो भी आप इसके अंदर जो है ज़रूर लिखेंगे, ज़रूर याद करेंगे। जैसे पहली जो लाइन है, यहाँ पहली लाइन की यदि हम बात करें तो पहली लाइन के अंदर कदर्थितस्य अपि आया, तो यहाँ ये जो पहली लाइन का जो शब्द है एक तो ये मिसप्रिंट हुआ, कदर्थितस्य ये आया, तो एक तो यहाँ इसको आप सुधार करें, और अपि अव्यय हो गया, ही अव्यय हो गया, इनको आप अलग दर्शा सकते हैं, अलग बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। इसके अलावा जो दूसरी लाइन है इसमें न है ये अव्यय है,
इसके अलावा अधोमुखस्य अपि, यहाँ देखिए आप अधोमुखस्य अपि, अपि को अलग कर दीजिए, अधोमुखस्य अलग कर दिए, अधोमुखस्य अपि आ गया, तो यहाँ आप दीर्घ संधि बता सकते हैं। पहली लाइन में भी जो है दीर्घ संधि है और यहाँ पर भी दीर्घ संधि है। इसके अलावा जो है न जोड़ अधः ना अधः है, यहाँ जो आ रहा है यहाँ पर आप जो है संधि बता सकते हैं, तो यहाँ भी वो दीर्घ संधि हो जाएगी, कदाचित एव, कदाचित जोड़ एव, यहाँ पर भी आप जो है संधि बता सकते हैं। तो इस प्रकार से अन्य जो इसमें कृतन शब्द हैं उसको भी आप जो है याद करके बता सकते हैं। प्रेमाष्टम यानी दूसरी पंक्ति के अंदर लास्ट का शब्द आया, यहाँ पर जो है आप तुमुन प्रत्यय जो है वो बता सकते हैं। तो ऐसे व्याकरणात्मक टिप्पणियों को याद करते हुए आप आगे बढ़ें, और उसके बाद में जो है आप इनको जब परीक्षा हमारी आए उसमें भी आप जो है साथ साथ में इनको लिखते जाए, क्योंकि बिना व्याकरणात्मक टिप्पणियाँ जो होती है उनके ये जो हमारे पद्य जो होते हैं उनमें पूरे नंबर आने की जो संभावना है वो थोड़ी कम रहती है। इसलिए सभी विद्यार्थियों से निवेदन है कि आप ये जो टिप्पणियाँ हैं इनको भी आप अवश्य पढ़ें। तब तक अब अगली जो हमारी क्लास है तब तक सभी इसका अध्ययन करेंगे। सभी विद्यार्थियों को शुभकामनाएं।